आप कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से आपको बताएं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। जराए के मुताबिक पाकिस्तान को 30 सितंबर तक 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त मिलने का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। IMF का कर्जा 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। वाजह रहे कि पाकिस्तान और IMF से 12 जुलाई को एक्सटेंडेड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम तय हुआ था। कर्ज मंजूरी से पाकिस्तान में मुआशी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। इस्लाहात के बायस पाकिस्तान की मैशियत दुरुस्त सिम पर गामजन है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टा लीना जॉर्जेवा ने कहा कि पाकिस्तान हुकूमत और अवाम को मुबारक हो, पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं जिससे मैशियत बेहतर हो गई। उन्होंने कहा कि इस्लाहात के बायस पाकिस्तान की मैशियत दुरुस्त सिम पर गामजन है। मैशियत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत का हदफ अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों की मदद करना है। और आपको बताया IMF से कर्ज मुआहिदा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में 472 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 82,720 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाजिया रहे कि कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का अहतमाम मुस्बत जोन में हुआ, जिसके बायस 100 इंडेक्स 774 पॉइंट्स इजाफे के साथ 82,247 पॉइंट की सतह पर आ गया।